हाँ तो आपने बताया नहीं आप किधर आ रही हो? ईमान हाउस। चलो बेबी नॉक करो डोर, ऐसे ही खोलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आई अपनी फ्रेंड के घर जिसने हमें दावत इफ्तार पर बुलाया है। तो हम थे सबसे पहले आने वाले, इसलिए थोड़ा वेट करना पड़ा लोगों के आने का। इस वक्त आपको कोई भी नज़र नहीं आ रहा होगा। जब तक मेहमान आते हैं मैं आपको इनका घर दिखा देती हूँ कि इन्होंने कैसा सेट किया हुआ है। तो ये है लॉन्ड्री। जैसे ही मेन एंट्रेंस से आप हॉलवे में आओ, लेफ्ट साइड पे ये लॉन्ड्री है और साथ में बेडरूम है। उसी के सामने आप अभी देखना कि इतना इन्होंने बहुत अच्छा बच्चों के लिए टॉय रूम सेट किया हुआ है। जब भी बच्चे आते हैं वो पहला सवाल यही होता है कि टॉय रूम किधर है, और सारे बच्चे भी मिलके खेलते हैं। ये इनका मेन बेडरूम है। सामने इनका ओपन किचन है और ये है इनकी मेन सिटिंग। चलें अब देखते हैं इन्होंने अफ्तारी में क्या बनाया। यशवा को भेजो, यशवा ले आएगी। फातिमा को बोलो ना यार। आप ने क्या खाना? आओ आओ जैनब। क्या हो रहा है इतनी देर से यहाँ पे? लाइट कम है। बस थोड़ी देर में खुलते हैं। से खोलो। ये कोई सही है यार, गरम रहेंगे ना। देखो देखो हाथ आने चाहिए। ये वो हाथ है जिसने कुछ नहीं बनाया। तहरीम तुमने बहुत कुछ बनाया यार, अफ्तारी में भी और अकेले तुम लगी रही हो। है कब से कर रही हो फिर ये सब कुछ? नाजी की तरफ गई हो? नहीं नहीं अभी नहीं, मैं यहाँ गई के बाद जाऊंगी क्योंकि अभी मेरी जॉब होती है ना। कल को तुम लोग देखोगे कहोगे वाह। मैं जब पाकिस्तान जाऊंगी फिर मैं कहूंगी ऑस्ट्रेलिया में मैं गई थी, वहां पे दावत खाई हमने। तुम तो फिर लास्ट में बारी है स्वीट डिश की। बच्चों के लिए डोनट्स और बड़ों के लिए खीर बनाई। क्या बहुत बहुत शुक्रिया। ओके बाय, अस्सलाम वालेकुम, बाय। खत्म हुई आज की दावत। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।